हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को कंप्लीट हुए, पूरा एक वीक हो गया है। इस पूरे एक वीक में आपने काफ़ी लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो देखेंगे और इसके अलावा आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। मैंने भी काफ़ी वीडियो देखने के बाद फेसबुक ग्रुप पे और काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद पर्सनली जिनको मैं जानता हूँ यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले सीरियस कैंडिडेट को, उन सब से बात करने के बाद जो मैंने एनालिसिस तैयार किया है कि यूपीपीसीएस की प्री की कट ऑफ कितनी रह सकती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले साल यूपीपीसीएस की कितनी कट ऑफ गई थी और इस साल टोटल वैकेंसी कितनी है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। बात करें अगर पिछले साल की, तो पिछले साल जो यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2017 लगा था उसमें जनरल की कट ऑफ 128 मार्क्स रही थी, ओबीसी की कट ऑफ भी जनरल के बराबर 128 मार्क्स रही थी, उसके अलावा एससी की कट ऑफ 117 मार्क्स रही थी, एसटी की कट ऑफ 98 मार्क्स रही थी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ 112 मार्क्स रही थी और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ 121 मार्क्स रही थी। और इस बार जो शुरू में एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उस समय 831 पोस्ट थी, उसके बाद में पोस्ट बढ़ के 900 प्लस हो गई और अभी जो न्यूज़ आ रही है कि इसमें बीडीओ की 460 पोस्ट और ऐड हो सकती है। अगर रिजल्ट से पहले वो पोस्ट और ऐड हो जाती है तो लगभग ये वैकेंसी 1200-1300 से ऊपर चली जाएगी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो इस साल जो टोटल 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन 200 नंबर के थे उसमें से जो कट ऑफ रह सकती है, अगर पहले हम पेपर क्या देखें तो करंट जीके के लगभग 36 क्वेश्चन थे, पर्यावरण के 20 क्वेश्चन थे, साइंस और टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के इनके 15 क्वेश्चन थे और पॉलिटिकल साइंस के 18 क्वेश्चन थे। ऐसे कुल मिला के टोटल 150 क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चनों का लेवल पिछले साल के मुकाबले काफ़ी हार्ड था, तो जो कट ऑफ जाएगी वो पिछले साल से काफ़ी कम जाने के चांस है। जो पेपर का लेवल भी पिछले साल से हार्ड था और वैकेंसी भी कुल मिला के अगर वीडियो की इनकी वैकेंसी जुड़ जाएगी तो पिछले साल से वैकेंसी भी ज़्यादा रहेगी, तो जो कट ऑफ जा सकती है वो पिछले साल से काफ़ी कम कट ऑफ जाने की संभावना है। आप ये मान के चलो पिछले साल से 10-15 नंबर कट ऑफ कम जाने के पूरे चांस है और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी, हो सकता है उसके 5 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ हो जाए, लेकिन जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो 200 में से जो मार्क्स में कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल जो टोटल पोस्ट 831 लिखी है वो जब एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था उस टाइम की है, अभी ये पोस्टें बढ़ गई है और जब इस साइट पर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितनी पोस्ट बढ़ी है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पोस्टें 1200 से ज़्यादा हो गई है और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा ये पोस्ट हो जाए। तो अगर हम देखें तो जो कट ऑफ रह सकती है वो जनरल की 114 से 118 के बीच में जाने के चांस है। जो पिछले बार 128 मार्क्स गई थी वो कम होके अब इस बार 114 से 118 नंबर के बीच में रहेगी, क्योंकि काफ़ी लड़के जो जिन्होंने एग्ज़ाम देते ही बाहर आते ही जो नंबर बताए थे अभी उन्होंने काफ़ी आंसर किए मैच करने के बाद वो सभी काफ़ी नीचे आ गए हैं और सभी जो कट ऑफ बता रहे हैं वो यही एरिया बता रहे हैं कि 114 से 118 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है जनरल की। ओबीसी की कट ऑफ वैसे तो जनरल के बराबर रहती है लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि 110 से 114 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है और 104 से 108 के बीच में एससी की कट ऑफ रह सकती है, सिनेमा से 100 के बीच में 96 से 100 के बीच में एसटी की कट ऑफ रह सकती है और 105 से 110 के बीच में फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। ये मैंने नंबर में बताया, मार्क्स में बताया, क्वेश्चन में ये कट ऑफ नहीं बताया, क्वेश्चन का अगर आप आइडिया लगाओ तो जिनके 87 से 90 क्वेश्चन सही है जनरल में उनका वो रेस में है, उसके अलावा ओबीसी में 84 से 87 क्वेश्चन सही है वो आराम से क्वालिफाई होने के चांस है। तो दोस्तों आप जो कट ऑफ में अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हो तो आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी मेंस की डेट डिक्लेयर हो सकती है और मेंस के लिए अगर आप कंटिन्यू अभी से तैयारी करोगे तो ही मेंस में आप क्वालिफाई हो पाओगे। और दोस्तों
मेंस के लिए मैं जो संविधान के और हिस्ट्री पॉलिटिकल वाले जो कैंडिडेट है वो मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल के जो वीडियो है वो मैं इसमें अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।